Vande Mataram, my dear students. Today's our subject is English grammar. And today we learn chapter number 12, possessive. Possessive yani maliki. वो चीज किसकी है वो बताता है. Let's start. To show possession or ownership, we use this as with a naming word. We call it the apostrophe s. कोई भी चीज की possession या फिर उसकी ownership यानी कि मालिक की बताने के लिए हम इस s का use करेंगे. जिसे कहते हैं apostrophe s. Let's see example of this. First, she is Namita. ये Namita है. That is her camera. वो camera उसका है. तो that is Namita's camera. वो नाम के साथ apostrophe s लगाने से वो camera उसका है वो पता चलेगा. जैसे कि that is Namita's camera. वो camera Namita का है. Next, he is my brother. ये मेरा भाई है. This is his car. ये car उसकी है. तो this is my brother's car. ये car मेरे भाई की है. Next, look at the picture and the answer the each question. पिक्चर देख के उसके क्वेश्चन के आंसर लिखो. फर्स्ट देखो, whose is this. यहाँ पे ये पिक्चर दिया है कैप का. ये कैप किसकी है देखो. यहाँ पे कौन है ये डॉल की. तो this is doll keys. Next, and this, ये अम्ब्रेला. ये अम्ब्रेला है जॉन के पास. तो हुई जॉन की. तो हियर राइट दिस इज जॉन के साथ apostrophe s. दिस इज जॉन्स. नेक्स्ट एंड दिस इज सूटकेस एंडी. एंडी के पास है. सो एंडी की हुई. तो हियर दिस इज एंडीज. एंड दिस कैप मारिया. मारिया की है. तो मारियास. दिस इज मारियास. एंड दिस ये सैंडल किसके. रूबी के. ये राइट दिस इज रूबीज. नेक्स्ट गॉगल्स. गॉगल्स है मारिया के पास से. ये राइट दिस इज मारियास. ओके. नेक्स्ट टेस्ट योर सेल्फ. फर्स्ट राइट दिस विथआउट ऑफ. ऑफ का यूज किए बिना यहाँ पे जो भी लिखा है उसे यहाँ पे लिखना है. जो कि देखो फर्स्ट द बुक ऑफ रिया यानी रिया की बुक. तो रियाज बुक. द शर्ट्स ऑफ मैन. हियर मैन्स शर्ट्स. द टॉयज ऑफ चिल्ड्रन. चिल्ड्रन्स टॉय. द हाउस ऑफ मिस्टर स्मिथ. मिस्टर स्मिथ्स हाउस. The office of my brother. My brother's office. Next. Sumit and Devika are husband and wife. Sumit और Devika husband wife है. They have a son Robin. उसका एक बेटा है Robin. They have a daughter, Kuhu. Kuhu उसकी daughter है. Kuhu is married to Arman. Kuhu के marriage Arman के साथ हुए हैं. तो Kuhu और Arman husband wife हुए.
कुहू एंड अरमान हैव अ सन ईशान, और कुहू और अरमान का एक बेटा है ईशान। चलो नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंस, अभी ये सेंटेंस को कंप्लीट करो। फर्स्ट कुहू इज डैश वाइफ, कुहू किसकी वाइफ है तो कि अरमान की, अरमान वाइफ। नेक्स्ट देविका इज डैश वाइफ, देविका किसकी वाइफ है क्यों तो सुमित की, हियर राइट सुमित्स वाइफ। रॉबिन इज डैश अंकल, रॉबिन किसके अंकल हुए तो कि ईशान के, ईशान के मामा हुए, हियर राइट ईशान। नेक्स्ट कुहू इज डैश सिस्टर, कुहू किसके बहन है तो रॉबिन्स की, सॉरी रॉबिन की, ये राइट रॉबिन्स। नेक्स्ट अरमान इज डैश फादर, अरमान किसके फादर है तो कि ईशान के, ईशान्स। रॉबिन इज डैश ब्रदर, रॉबिन किसका भाई है तो कि कुहू का, हियर राइट कुहूज ब्रदर। नेक्स्ट कुहू इज डैश मदर, कुहू किसकी मम्मी है तो कि ईशान की, ईशान्स मदर। सुमित इज डैश हस्बैंड, सुमित किसका हस्बैंड है, देविका का, हियर राइट देविकास। अरमान इज डैश हस्बैंड, अरमान किसका हस्बैंड है, कुहू का, हियर राइट कुहूज हस्बैंड। देविका इज डैश ग्रैंडमदर, देविका किसकी ग्रैंडमदर है तो कि ईशान की, ईशान्स ग्रैंडमदर। नेक्स्ट माय अवर योर हर एंड दैट टेक अ नेमिंग वर्ड आफ्टर देम, ये सभी वर्ड्स के साथ हम नेमिंग वर्ड लिख सकते माइन अवर योर्स हर्स एंड theirs, डोंट टेक एनी नेमिंग वर्ड आफ्टर देम, ये सभी वर्ड्स के साथ हम नेमिंग वर्ड नहीं लिख सकते। वी कैन यूज हिज विथ और विदाउट अ नेमिंग वर्ड, हिज का यूज हम नेमिंग वर्ड के साथ या उसके बगैर भी कर सकते हैं। स्टडी दिस वर्ड्स एंड सेंटेंसेस केयरफुल, यहाँ पे वो वर्ड्स दिए और उसके सेंटेंस भी दिए। चलो लेट्स स्टार्ट। माय, माय के साथ माइन, दिस इज माय गार्डन, ये गार्डन मेरा है, दिस गार्डन इज माइन, ये गार्डन मेरा है। अवर, अवर्स, दिस इज अवर गार्डन, ये गार्डन हमारा है, दिस गार्डन इज अवर्स, ये गार्डन हमारा है। अवर के साथ, अवर के आफ्टर नेमिंग वर्ड गार्डन लिया, बट अवर्स के आफ्टर हम नेमिंग वर्ड नहीं लिख सकते। योर, योर्स, दिस इज योर गार्डन, ये गार्डन तुम्हारा है, दिस गार्डन इज योर्स। हिज, हिज, दिस इज हिज गार्डन, ये गार्डन उसका है, दिस गार्डन इज हिज। हर, हर्स, दिस इज हर गार्डन, वो गार्डन उसका है, दिस गार्डन इज हर्स। देयर, देयर्स, दिस इज देयर गार्डन, वो गार्डन उन लोगों का है, दिस गार्डन इज देयर्स। नेक्स्ट टेस्ट योर सेल्फ, फर्स्ट कंप्लीट ईच सेंटेंस विथ वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे देखो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए माय, माय, अवर, अवर्स, योर, योर्स, हर, हर्स, देयर, देयर्स, उसमें से ब्लैंक में कोई एक वर्ड लिखना है। दिस इज योर कार, दिस कार इज योर्स। नेक्स्ट दैट इज डैश बैग, दैट बैग इज माइन, वो बैग मेरा है, हियर राइट माइन। दिस इज अवर फ्लैग, ए फ्लैग हमारा है, दिस फ्लैग इज अवर्स।
That is their house. That house is theirs. Here, right there. That is your money. This money is yours. Next, those are dash shoes. Those shoes are hers. Hers ke saath here her. Next, these are my trousers. These trousers are mine. Those are dash books. Those books are ours. Ours, here write our. You will have dash share. I will have dash. आप तुम्हारा आप आपका share करो, मैं मेरा share करता हूँ. तो यहाँ पे you के साथ yours. And here I, here mine. Okay students, complete this and practice of this exercise. Vande Mataram.